हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आइए स्टार्ट करें अपना लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ की बात की थी, और कूलम्स लॉ के मैंने आपसे कहा था कि भाई 15 सवाल मैं आपको कूलम्स लॉ के ऊपर कराऊंगा। उनमें से कुछ सवाल, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है कि उनके कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉब्लम का लेवल धीरे 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 राइज करेंगे, ठीक है। हाँ, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर एक बात कॉमन रहने वाली है, और वो ये है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के कंसेप्ट बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। बाकी जो प्रॉब्लम्स की कैलकुलेशंस रहेंगी वो आप लोग एक बार आप खुद से करेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को बात? बेसिक कैलकुलेशंस रहेंगी, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पावर सॉल्व करनी है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन तो रहेंगी नहीं। वो सारी कैलकुलेशंस आप लोगों को अपने आप से करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आज से आप लोगों के पास में कॉल आने स्टार्ट होंगे बेटा होमवर्क चेक कराने के लिए। अब जो बच्चे काम अपना कर चुके हैं वो उससे पहले ही मेरे नंबर पर अपना होमवर्क अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर दें कि सर हमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है या कंप्लीट कर लिया है। फिर कॉल के अंदर जो भी आपको डाउट रहेगा अपना डाउट आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, वो हम आपका वहाँ पर क्लियर कर देंगे। हफ्ता 10 दिन की बात है बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस की, दोबारा से सभी क्लासेस ऑफलाइन शिफ्ट हो जाएंगी तो आपकी प्रॉब्लम फिर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम है हमारे पास में ये क्वेश्चन, हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। टू आइडेंटिकल साइज ऑपोजिटली चार्ज मेटेलिक स्पेयर्स विद डिफरेंट चार्जेस, दोनों के जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट है, प्लेस्ड 0.5 मीटर अपार्ट, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कॉपर वायर फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, दे बिगिन टू रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.036 न्यूटन, व्हाट आर द इनिशियल चार्जेस ऑन देम। बढ़िया प्रॉब्लम है यार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए हम समझ के चलेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। भैया सबसे पहले उसने ये कहा कि हमारे पास में दो बॉडीज हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार यहाँ पर। अब उसने हमें कहा है कि हमारे पास में दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। शुरुआत में इनके जो बीच का गैप हमें दिया गया है वो है 0.5 मीटर। एक स्पेयर पर चार्ज है प्लस Q1 और दूसरे स्पेयर पर चार्ज है माइनस के Q2। दो गोले हैं, एक पर चार्ज है प्लस Q1, दूसरे पर चार्ज है माइनस के Q2, ठीक है। उसने कहा ओपोजिटली चार्ज का मतलब यह है एक पर प्लस Q1 है तो दूसरे पर माइनस Q2 है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो भी हमें दे रखा है, और वो है ये 0.108 न्यूटन। स्टार्टिंग की कंडीशन ये है बेटा हमारे पास में। अब आप देखो यार, न्यूटन तो SI यूनिट है, मीटर भी SI यूनिट है, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। एक चार्ज हमारे पास में यहाँ रहेगा Q1, दूसरा चार्ज रहेगा Q2 अपॉन इनके बीच का गैप रहेगा 0.5 और ये रहेगा होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब फोर्स की वैल्यू है हमारे पास में ये 0.108 इज इक्वल टू 9 × 10⁹, यहाँ है Q1, ये है Q2, अपॉन में है 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 0.25। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो और कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। सो, बेटा Q1 Q2 की वैल्यू अपने पास में आ गई, Q1 × Q2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, 0.108 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और डिवाइड करेंगे 9 × 10⁹। ये बन गई है अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन, बन गई है बेटा। हमने कूलम्स लॉ लगाकर फर्स्ट कंडीशन में Q1 × Q2 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब उसने क्या कहा जरा समझिएगा। अब उसने ये कहा कि हमने एक का चार्ज था Q1,
दूसरे का चार्ज था Q2, हमने दोनों को बाय यूजिंग अ मेटेलिक वायर ज्वाइन करा दिया। एक कॉपर के वायर का यूज करते हुए हमने दोनों बॉडीज को ज्वाइन करा दिया। अब आप याद करिए बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर दोनों बॉडीज को एक कॉपर का वायर का यूज करके हम ज्वाइन करा देंगे तो दोनों बॉडीज पर चार्ज हो जाएगा सेम, क्योंकि दोनों बॉडी का साइज भी सेम है। अगर आप दोनों बॉडीज को टच करा दोगे या दोनों बॉडीज को कॉपर वायर का यूज करते हुए आप ज्वाइन करा दोगे तो इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा, यहाँ जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू रहेगी, दोनों के चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ चार्ज आएगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2। हमने दोनों को ऐड किया Q1 प्लस माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2 और बिल्कुल इतना ही चार्ज आ जाएगा इस पर। अगर आपने दोनों बॉडीज को ऐड कर दिया, यानी अगर आपने दोनों बॉडीज को एक कॉपर के वायर का यूज करके ज्वाइन करा दिया तो दोनों बॉडीज का चार्ज हो जाएगा सेम। अब उसने कहा कि इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है बेटा वो है फोर्स इज इक्वल टू 0.036 न्यूटन, इनके बीच का गैप अभी भी वही 0.5 मीटर ही बना हुआ है। समझ आ रही बात? अब दोबारा हमें कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन की खास बात थी, यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। पहले हमने एक बार कूलम्स लॉ लगा दिया जब एक पर चार्ज Q1 था और दूसरे पर चार्ज माइनस Q2 था। जब हमने दोनों को ज्वाइन कराया तो इस पर चार्ज इतना हो गया, इस पर चार्ज इतना हो गया, इनके बीच का फोर्स इतना है, डिस्टेंस इतनी है। दोबारा से कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, फोर्स की वैल्यू है 0.036 इज इक्वल टू 1/4π ε0 की वैल्यू है 9×10⁻¹। एक बॉडी का चार्ज है हमारे पास में Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2, दूसरी बॉडी का चार्ज है Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो ना बेटा ये चार्ज कहाँ से आया? जो हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4π ε0, एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज अपॉन उनके बीच का स्क्वायर, उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच की जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। दोनों को अगर कॉपर वायर का यूज करके ज्वाइन करा दिया तो इस पर नया चार्ज इतना हो गया और इस पर नया चार्ज इतना हो गया, अपॉन में रहेगा हमारे पास में 0.5 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में 0.5 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, स्पेस कम रह गया हमारे पास में, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास में। देखो बेटा, अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास में 0.036, 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25, इससे होगा डिवाइड 9×10⁻¹, और ये बन जाएगा हमारे पास में Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में 4, अपॉन में आएगा हमारे पास में 4। ये आ गई हमारे पास में एक वैल्यू, एक वैल्यू है हमारे पास में ये Q1×Q2 और एक वैल्यू है हमारे पास में ये। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हों, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। अब आपको क्या करना है बेटा, 4 की मल्टीप्लाई आप यहां से यहां करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई हम यहां से यहां करेंगे। ये कर दी हमने 4 की मल्टीप्लाई यहां पर, नीचे से 4 की मल्टीप्लाई हमने यहां की। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, अब ऊपर जरा ध्यान देना, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। हमारे पास में बनेगा Q1 माइनस के Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4×0.036×0.25, समझ में आ रही बेटा बात, इंटू 0.25 अपॉन 9×10⁻¹। ये हमारे पास में वैल्यू बन गई। एक इक्वेशन है हमारे पास में Q1 Q2 इज इक्वल टू ये, और एक इक्वेशन है हमारे पास में Q1 माइनस के Q2 इज इक्वल टू ये। उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे हो हमारी बात को। हमने इसे लेट कर दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बनी हमारी यहाँ से बेटा, और इक्वेशन सेकंड बनी है हमारी यहाँ से। अब हमें क्या करना है, देखो Q1 माइनस Q2 आ गया, Q1 प्लस Q2 आ गया। ऐसे क्वेश्चन हमने 10th क्लास में खूब सॉल्व किए हैं, दो नंबर का डिफरेंस इतना है, दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालेंगे, पहली बात तो इसे सॉल्व कर देंगे,
फोर का अंडर रूट टू हो जाएगा, 0.036 का अंडर रूट आप कर देंगे, 0.25 का अंडर रूट करेंगे, 9 का अंडर रूट करेंगे, 10 की पावर 9 का अंडर रूट करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। समझदारी बात आप लोगों को? देखो ये जीरो पॉइंट, ये जीरो, ये पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, अब 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 0.36 का अंडर रूट हो जाएगा 0.6, 0.25 का अंडर रूट हो जाएगा 0.5, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 और 10 की पावर 10 का अंडर रूट हो जाएगा 10 की पावर 5। ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। यहाँ से Q1 निकालेंगे और उस Q1 को उठाकर यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा Q1 अलग निकल जाएगा और Q2 अलग निकल जाएगा। इस तरीके से हम आंसर बनाएंगे बेटा। बाकी जो इस क्वेश्चन के अंदर मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक बार हम कूलम्स लॉ को यहाँ अप्लाई करें, एक बार हम कूलम्स लॉ को यहाँ अप्लाई करें और दोनों की इक्वेशंस बनाकर दोनों को सॉल्व करें। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करें कि किस तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बन पाता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। लेकिन एक बार अपने आप से पहले आप ज़रूर सॉल्व करें कि किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ, हिंट आपको दे रहा हूँ, यहाँ से Q1 की वैल्यू को निकाल कर यहाँ Q1 की जगह पुट करें, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करें, Q1 और Q2 दोनों अलग अलग निकल जाएंगे बेटा आप लोगों के, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे, ट्राई करिएगा एक बार, ठीक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी आप लोगों को बात। आइए बेटा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 8×10⁻⁶ कूलम एंड 2×10⁻⁶ कूलम। 10⁻⁶ का मतलब माइक्रो से होता है। रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर वेयर ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। आप ये समझिए कि इसके जैसे सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम यानी नीट और JEE और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि कैसे हमें इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। भाई सबसे पहले आप ये देखिए कि दो चार्ज हमें दिए गए हैं, एक है 8 माइक्रो कूलम्ब और एक है 2 माइक्रो कूलम्ब। देखो हमारे पास में दो चार्ज हैं, एक है 8 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ है, और एक है हमारे पास में 2 माइक्रो कूलम्ब। समझ रहे हो बेटा, इनके बीच का जो गैप हमें दे रखा है वो है 20 सेंटीमीटर। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक। अब आप देखिए ध्यान से, ये भी प्लस और ये भी प्लस। उसने हमें ये कहा कि तीसरा चार्ज, एक थर्ड चार्ज हमें बाहर से लेकर आना है और उस थर्ड चार्ज को ये बताइए कि कहाँ रखना है। मैं तीसरा चार्ज क्यू बाहर से लेकर आया, तीसरे चार्ज क्यू को बेटा मैं बाहर से लेकर आया और बाहर से लाकर मैंने यहाँ रख दिया, और इस थर्ड चार्ज पर जो काम करना चाहिए ना टोटल फोर्स, इस थर्ड चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स काम करना चाहिए वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। प्रॉब्लम की क्रोनोलॉजी को समझिए कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम्ब, 8 माइक्रो कूलम्ब, 8 माइक्रो कूलम्ब और एक है 2 माइक्रो कूलम्ब, और इनके बीच की सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। ये कहा कि एक तीसरा चार्ज हमें बाहर से लेके आना है और बाहर से लाकर इनके बीच में रखना है, ठीक है, और उस पर जो फोर्स काम करना चाहिए वो जीरो काम करना चाहिए, यानी इस पर जो फोर्स काम करना चाहिए ना वो जीरो काम करना चाहिए। तो ये बताना है कि ये चार्ज हमें कहाँ रखना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैंने माना कि इस चार्ज को हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास में 20 माइनस x। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 माइनस x। देखिए इसके बाद यहाँ का चार्ज है पॉजिटिव और ये चार्ज भी है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, एक फोर्स काम करेगा इधर F1। अच्छा यहाँ का चार्ज भी है पॉजिटिव
और यहाँ का चार्ज भी है पॉजिटिव, यानी आप ये समझिए कि एक फोर्स तो इन दोनों के बीच में काम करेगा और एक फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ और इधर फोर्स काम कर रहा है F2। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी बात, यानी इस चार्ज पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये वाला पॉजिटिव इस वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला पॉजिटिव इस चार्ज को इधर रिपेल कर रहा है। तो देखो प्लस Q पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक कितना है F1 और एक कितना है F2, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल क्यू चार्ज, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल क्यू चार्ज। भाई स्मॉल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना काम करेगा, स्मॉल क्यू पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर F1 एक इधर F2। जब डायरेक्शन अपोजिट रहती है तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम माइनस कर देते हैं F1 माइनस F2। बात समझ में आ रही है, यानी इस पर टोटल फोर्स इतना काम करा होगा। अब आपको पहले ही कह रखा है बेटा कि यहाँ जो टोटल फोर्स काम करना चाहिए वो जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ जो टोटल फोर्स काम करना चाहिए ना ये F, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए, आपको ये पहले ही कह रखा है। अगर टोटल फोर्स जीरो के इक्वल होना चाहिए तो F2 इक्वल टू से उधर चला जाएगा और F1 की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी F2 के। उम्मीद करेंगे कि आपको बात समझ आ रही हो। F1 F2 के इक्वल हो जाएगा। अब F1 क्या है, F1 है इन दोनों के बीच काम करने वाला फोर्स। देखो कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच काम करने वाला फोर्स, 1/4πε0। यहाँ का चार्ज है 8 μC यानी 8×10⁻⁶। यहाँ का चार्ज है आपके पास में Q और इनके बीच का गैप है आपके पास में x2। F2 क्या है बेटा, F2 है इन दोनों के बीच काम करने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो F2 है। F2 इधर की तरफ काम करेगा क्योंकि ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, इधर F2 की वैल्यू होगी 1/4πε0। यहाँ का चार्ज है 2×10⁻⁶। यहाँ का चार्ज है Q और इनके बीच का गैप हमें दे रखा है 20−x2। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो हमारी बात कि भाई क्या कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो दोनों इक्वल टू में है ना, इससे ये कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा 4। तो अब आप इसे लिख सकते हैं बेटा, देखो क्या बन गया, ये बन गया 4/x2। तो 4/x2 को हम लिख सकते हैं 2/x2। ठीक है, यहां आया मेरे पास में 1/20−x2। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/20−x2। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे उतना ही आ जाएगा, 20−x2 ये हो गया। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर फिनिश हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे ये बनेगा 40−2x, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे x, 40 = 3x। बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को, तो x की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 40/3 cm। x की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में वो बनेगी 40/3 cm, यानी इधर से यहां से 40/3 cm पर चार्ज को रखना पड़ेगा अगर इस चार्ज पर जीरो फोर्स काम कर रहा है। अगर यहां से डिस्टेंस आपको निकालनी है, देखो आंसर में जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ना वो 2 μC से है, यानी यहां से है। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है तो 20 में से x को माइनस करना पड़ेगा, यानी 20 में से 40/3 को माइनस करेंगे तो वही 20/3 ही आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हम बनाएंगे बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ जाए तो सबसे पहले तो आप तीसरे चार्ज को लाकर दोनों चार्ज के बीच में कहीं रख दीजिए और फिर उस पर काम करने वाले फोर्स को जीरो के इक्वल रख दिए, आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। अभी एक दो प्रॉब्लम मैं इसके जैसी और आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात, जल्दी से नोट डाउन करिए आप। पहले ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। देखिए हमारे पास में एक चार्ज है बेटा, प्रॉब्लम यह है
एक चार्ज है हमारे पास में 9 माइक्रो कूलम्ब और दूसरा चार्ज है हमारे पास में 1 माइक्रो कूलम्ब। एक है 9 माइक्रो कूलम्ब और एक है 1 माइक्रो कूलम्ब। इनके बीच का जो गैप हमें दिया है वो है 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो गैप हमें दिया है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कहा कि भैया एक तीसरा चार्ज हमें बाहर से लेके आना है और बाहर से लाकर इनके बीच में कहीं रख देना है, और वो जो तीसरा चार्ज हम बाहर से लेकर आए हैं उस पर काम करने वाला जो टोटल फोर्स होना चाहिए ना, वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो आपको बताना है कि वो तीसरा चार्ज हमें कहाँ रखना है, उस थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगी। सबसे पहली बात, एक तीसरा चार्ज आपको बाहर से लेके आना है, एक थर्ड चार्ज आप बाहर से लेकर आए। जो चार्ज आप बाहर से लेकर आए उसे हमने माना क्यू, उस क्यू को लाकर हमने यहाँ रख दिया। समझ आ रही बात? एक तो हमें ये बात गिवन है कि एक तीसरा चार्ज बाहर से लेकर आना है, एक बात हमें ये गिवन है कि इस तीसरे चार्ज पर जो टोटल फोर्स काम करना चाहिए वो 0 काम करना चाहिए, यानी यहाँ इस पर टोटल फोर्स 0 काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि भाई कैसे काम करेगा टोटल फोर्स 0। हमने इस डिस्टेंस को लेट कर लिया एक्स, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और टोटल डिस्टेंस 10 है बेटा आपके पास में, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास में रह जाएगी 10 माइनस एक्स। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई होगी आप लोगों को। अब देखो क्या होगा, ये प्लस, इस प्लस को सबसे पहले इन दोनों के बीच में आप देखिए, ये प्लस इस प्लस को इस तरफ रिपेल करेगा। हमने इस फोर्स को मान लिया F1। अच्छा, अब ये भी प्लस है, ये प्लस इस प्लस को, देखो यहां फोर्स निकाल रहे हैं ना, यहां फोर्स निकाल रहे हैं, तो सिर्फ यही देखना है आपको, इधर उधर नहीं देखना है। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, हमने इस फोर्स को मान लिया F2। तो हम ये कहेंगे कि इस चार्ज पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर काम कर रहा है F1 और एक इधर काम कर रहा है F2। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो हम लिखते हैं नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू चार्ज, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू चार्ज, यानी क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना काम करेगा। तो क्यू चार्ज पर नेट फोर्स काम करेगा F1 माइनस के F2। भाई माइनस क्यों किया हमने? माइनस इसलिए किया क्योंकि F1 और F2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। कैपिटल एफ का मतलब है नेट फोर्स, और उसने कह रखा है कि जो नेट फोर्स काम करना चाहिए वो 0 काम करना चाहिए, तो कैपिटल एफ को हमने रख दिया 0 के बराबर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो, कोई परेशानी ना हो। सो जैसे ही हमने इसे 0 के बराबर रखा तो F1 की जो वैल्यू है वो F2 के इक्वल हो जाएगी। भाई F2 उधर चले जाएगा, F1 F2 के इक्वल हो गया। अब देखते हैं कि F1 कितना है। F1 है इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स, और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। यहाँ का चार्ज है 9 × 10⁻⁶, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶, और यहाँ का चार्ज है बेटा आपके पास में क्यू, और दोनों के बीच का गैप है x². ओके, अब दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, यहाँ का चार्ज है क्यू, ये चार्ज है 1 × 10⁻⁶, और रिमेनिंग डिस्टेंस है इनके बीच की 10⁻⁶². 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, एक चार्ज हो गया क्यू, एक चार्ज हो गया 1 × 10⁻⁶, और इनके बीच की रिमेनिंग डिस्टेंस है 10⁻⁶². इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर 9 नीचे x², तो हम इसे लिख सकते हैं 3/x² होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो। यहाँ है 1, ये है 10⁻⁶², तो हमने इसे लिख दिया 1/10⁻⁶². होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30 − 3x = x। सो 30 = 4x, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर 0 फोर्स काम करेगा।
अगर ये डिस्टेंस 7.5 है तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, 10 माइनस 7.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर बेटा रिमेनिंग डिस्टेंस होगी आपकी 2.5। तो इस तरीके से जो बीच में तीसरा चार्ज आप पर लाकर रखेंगे, जो थर्ड चार्ज को आप बीच में प्लेस करेंगे, उस पर अगर जीरो फोर्स काम कर रहा है तो उसकी पोजीशन निकालने का तरीका यह है, दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज अगर उस पर फोर्स जीरो काम कर रहा हो तो। जल्दी से नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों ने नोट कर लिया हो और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया हो। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम हल्का सा चेंज करने वाले हैं, प्रॉब्लम ऐसी ही है, प्रॉब्लम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस हल्का सा चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपके सामने पढ़ा था भाई, ये प्रॉब्लम थी हमारे पास में, एक चार्ज है 8 × 10⁻⁶, एक चार्ज है 2 × 10⁻⁶ रिस्पेक्टिवली, और उनके बीच का गैप है 20 सेंटीमीटर। थर्ड चार्ज को हमने लाकर रखा और थर्ड चार्ज पर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो जीरो काम कर रहा है। थर्ड चार्ज की पोजीशन के साथ साथ थर्ड चार्ज की वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। यानी प्रॉब्लम सेम है, थर्ड चार्ज की पोजीशन के साथ साथ थर्ड चार्ज की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब आप देखो बेटा, एक चार्ज है हमारे पास में 8 × 10⁻⁶, यह है पॉजिटिव, ठीक है, ओके। दूसरा चार्ज है हमारे पास में 2 × 10⁻⁶ है, 2 × 10⁻⁶, और एक चार्ज हमारे पास में रखा है यहां पर, यह है क्यू चार्ज, ठीक। और ये जो डिस्टेंस इनके बीच की आई है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यह है 40/3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है हमारे पास में 20/3 सेंटीमीटर। जस्ट अभी निकाली थी मैंने आपके सामने, लिखी हुई भी है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप यहाँ काम करने वाला फोर्स जीरो रखेंगे। अगर आपको ये बताना है ना कि क्यू चार्ज कहाँ रखा है, उस कंडीशन में यहाँ टोटल फोर्स को जीरो के बराबर रखोगे, डिस्टेंस निकल जाएगी। और अगर आपको अगर आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है बेटा, अगर आपको ये क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, क्यू की वैल्यू, तो जो कॉर्नर पे चार्ज रखे हैं, कॉर्नर पे, उन दोनों कॉर्नर वाले चार्ज में से कोई भी एक कॉर्नर का चार्ज पकड़ लो और उस पर काम करने वाले फोर्स को जीरो के बराबर रखो। अगर आपको चार्ज की पोजीशन निकालनी है तो क्यू पर काम करें। इन छोटे छोटे पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, जिससे कि आगे सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये बताना है कि क्यू कहाँ रखा है, तो इस पर काम करने वाले फोर्स को जीरो के बराबर रखो। और अगर आपको ये बताना है कि इस Q की वैल्यू क्या है, तो कॉर्नर पे जो चार्ज रखे हैं ना, कॉर्नर पर, उन पर काम करने वाले फोर्स को जीरो के बराबर रखो। देखो कैसे, ये चार्ज है बेटा हमारे पास में पॉजिटिव, और ये चार्ज भी है पॉजिटिव। हमने ये वाला कॉर्नर उठा लिया, ये वाला कॉर्नर। अब आप देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर की तरफ रिपेल करेगा। हमने मान लिया फोर्स काम कर रहा है F1, ओके, इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो F1 फोर्स काम कर रहा है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। ये कैसा है, पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकालो, यानी टोटल फोर्स ना आपको यहाँ निकालना है बेटा, टोटल फोर्स आपको यहाँ निकालना है। तो एक बार मैंने इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकाला, इधर आ गया, फिर मैं एक बार इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकालूंगा। देखो वो कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को इसी तरफ रिपेल करेगा, फोर्स आ गया F2। यानी यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक का नाम है F1 और एक का नाम है F2, और दोनों की डायरेक्शन है इस तरफ। तो हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 + F2। पहले F1 - F2 था यहाँ पर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, यहाँ डायरेक्शन सेम है इसीलिए F1 + F2 है, और इसे हम रख देंगे बेटा जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। तो देखो हमारे पास में बनेगा F1 = -F2,
F2 को उधर ले गए। अब F1 की वैल्यू यहां लिखते हैं, F1 कितना होगा? देखो F1 क्या है, F1 है इन दोनों के बीच में काम करने वाला है F1 और इन दोनों के बीच में काम करने वाला है F2। F1 को हम लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है इतना Q इंटू टेन, 8 × 10⁻⁶, और इनके बीच का गैप है 40/3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻²² का होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं कैंसिल आउट हो जाता है तो कहीं कहीं बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। माइनस F2 कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught, यहाँ का चार्ज है 2 × 10⁻⁶, दूसरा है 8 × 10⁻⁶, और यह है 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर है। ये गैप है 20 बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप 20 है, इसीलिए मैंने ये रखा। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, 8 वाले से 8 वाला कैंसिल आउट। ठीक है, अब आप देखो जरा 10⁻, भाई ये बचा मेरे पास में क्यू, 40 का स्क्वायर करेंगे ये 1600, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ऊपर आ जाएगा, और ये हो गया 10⁻⁴। यहाँ है 2 × 10⁻⁶, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 × 10⁻⁴, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया 4, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तो Q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में −8/9 × 10⁻⁶ कूलम। देखो सॉल्व कर दिया, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 8, 9 से डिवाइड करेंगे × 10⁻⁶, यानी ये जो बीच में चार्ज रखा जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास में इतनी होगी माइनस के 8/9 × 10⁻⁶, ये हमारी थर्ड चार्ज की वैल्यू रहने वाली है बेटा। इतना चार्ज हम रखेंगे कि पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में बना रहे, यहाँ जीरो फोर्स काम करे या यहाँ जीरो फोर्स काम करे। मतलब ये क्वेश्चन कैसे आता है, आप इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, दो चार्ज आपको गिवन दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनके बीच में तीसरा चार्ज रखना है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब यह है कि सबके ऊपर जीरो फोर्स काम करे, सबके ऊपर जीरो फोर्स काम करे, यहाँ भी जीरो फोर्स काम करे, यहाँ भी जीरो फोर्स काम करे और यहाँ भी जीरो फोर्स काम करे, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो यहाँ के फोर्स को जीरो रख दो, और अगर आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ के फोर्स को जीरो रख दो। उम्मीद करूंगा कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ आया हो। आगे चलकर इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा। देखो बिल्कुल सवाल इस तरीके से आता है बेटा, अब आप पहले प्रॉब्लम को देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल आराम से प्रॉब्लम को आप देखो। क्वेश्चन ये है, 2 free charges, एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है प्लस के 4q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल अपार्ट, इनके जो बीच का गैप है वो एल है, फाइंड मैग्नीट्यूड साइन एंड लोकेशन ऑफ ए थर्ड चार्ज विच मेक्स द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। यानी दो चार्ज है आपके पास में, एक चार्ज है आपके पास में क्यू, दूसरा चार्ज है आपके पास में 4q, उनके बीच का जो गैप आपको दिया गया है वो है एल। ये कहा कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, कितना रखें और कैसे साइन के साथ रखें, प्लस के साथ या माइनस के साथ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। अब पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में बने रहने का मतलब यह है कि जितने भी तीनों चार्जेस वहां होंगे तीनों पर काम करने वाला फोर्स जीरो होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है हमारे पास में प्लस 4q, और इनके जो बीच का गैप हमें दिया गया है वो है L। तीसरे चार्ज को हमने यहां ला के रख दिया, कैपिटल Q मान लिया हमने, तीसरे चार्ज को यहां ला के रखा, ये डिस्टेंस मान ली है हम लोगों ने x। अगर ये डिस्टेंस x है तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में L-x। समझ में आ रही बात? अगर आपको निकालनी है x की वैल्यू, काहे की वैल्यू, अगर आपको निकालनी है x की वैल्यू तो यहाँ काम करने वाले फोर्स को जीरो रखो, और अगर आपको निकालनी है कैपिटल Q की वैल्यू तो यहाँ या यहाँ काम करने वाले फोर्स को जीरो के बराबर रखो।
और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब यह है, ये जो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है ना बेटा, इसका मतलब यह है कि यहां काम करने वाला फोर्स भी जीरो है, यहां काम करने वाला फोर्स भी जीरो है, और यहां काम करने वाला फोर्स भी जीरो है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं और यहां काम करने वाले फोर्स को जीरो के इक्वल रखते हैं। देखो कैसे, जरा समझिएगा, यह है पॉजिटिव चार्ज और यह भी है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स काम करेगा F1, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स काम करेगा F2। अब चूंकि यहां नेट फोर्स की वैल्यू है जीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास में F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो, और F1 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो हो जाएगी F2 के इक्वल, F1 F2 के इक्वल। चलिए देखते हैं कि F1 कितना होगा। देखो बेटा F1 इन दोनों के बीच में, F1 काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो F1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का गैप है इनके बीच में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। F2 कितना होगा, F2 F2 होगा इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स, क्या वैल्यू होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज है मेरे पास में कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज है मेरे पास में 4q, और गैप है इनके बीच का l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ काम करने वाले फोर्स को जीरो के बराबर रख दिया। आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। इससे ये कैंसिल आउट, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट, स्मॉल Q से स्मॉल Q कैंसिल आउट, यहाँ बचा मेरे पास में वन, ऊपर वन बचा नीचे एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसे लिख दिया वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास में है फोर और नीचे है एल माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया टू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बना दिया बेटा हमने दोनों तरफ, आसानी से सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व करने के लिए हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर बना दिया। अब आप देखो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर फिनिश, ठीक है, हमारे पास में बन गया ये वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन एल माइनस एक्स, सो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, एल इज इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स इज इक्वल टू एल बाय थ्री। लो बेटा एक्स की वैल्यू निकल गई एल बाय थ्री, यानी इधर से एल बाय थ्री पर, और बाकी अगर इधर से निकालना है तो L में से L बाय थ्री माइनस करेंगे तो 2L बाय थ्री पर आएगा, इधर से L बाय थ्री पर यहाँ चार्ज रखना पड़ेगा और इधर से 2L बाय थ्री पर यहाँ चार्ज रखना पड़ेगा, अगर पूरे सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में करना है तो। ये हमारा कंसेप्ट रहने वाला है बेटा। तो पोजीशन तो हमने निकाल दी, अब हम कैपिटल Q की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आप जल्दी से पोजीशन नोट डाउन करिए अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू क्या रहने वाली है, ओके। चलिए बेटा देखिए, पोजीशन तो मैंने निकाल दी है, अब पोजीशन के साथ हमें वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जब आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ काम करने वाले फोर्स को जीरो रखेंगे आप, यहाँ काम करने वाले फोर्स को। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज ये जो प्लस कैपिटल क्यू है, ये पहले इन दोनों के बीच में देखते हैं कितना फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स काम करेगा F1, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ और फोर्स काम करेगा F2, यानी इन दोनों की वजह से यहाँ पर दो फोर्स काम करेंगे F1 F2 सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमने ऐड करके रख दिया जीरो के इक्वल, F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमने ऐड करके टोटल फोर्स निकाल दिया, और हमें पता है कि यहाँ भी टोटल फोर्स जीरो है, यहाँ भी टोटल फोर्स जीरो है, यहाँ भी टोटल फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि टोटल फोर्स जीरो है। अब देखते हैं कि F1 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का चार्ज है कैपिटल Q, ये चार्ज है स्मॉल Q, और इनके बीच के डिस्टेंस है ये L बाय 3 का होल स्क्वायर, माइनस F2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का चार्ज है 4q, यहाँ का चार्ज है q, और इनके बीच का गैप है l स्क्वायर, ठीक है। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। इससे ये कैंसिल आउट, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट, यहाँ बचा हमारे पास में कैपिटल Q,
एल स्क्वायर थ्री का स्क्वायर करेंगे 9 ऊपर, यहाँ है 4q अपॉन एल स्क्वायर, साथ में माइनस भी है, इससे ये कैंसिल आउट। सो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस 4q अपॉन 9। बेटा चार्ज की वैल्यू रहेगी देखो इतनी, और पोजीशन रहेगी एल बाय 3। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि अगर पोजीशन निकालनी है तो यहाँ का 4-0, और अगर आप लोगों को चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ या यहाँ काम करने वाले फोर्स को 0 रखेंगे आप लोग। जल्दी से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बेटा अगला कंसेप्ट क्या है हमारे पास में, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आ रही हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को हम कई कई बार करके बता रहे हैं भाई आप लोगों को ना बच्चों, कि भाई जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। चलिए तो अभी की ये कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारी फिनिश हो गई हैं, लेकिन अभी कूलम्स लॉ ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके ऊपर हमारे पास में, हम हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये नोट पॉइंट अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए, आगे चलकर इस नोट पॉइंट की ना हमें ज़रूरत पड़ेगी। बेटा देखिए नोट पॉइंट क्या है हमारे पास में, ध्यान से आप देखिएगा बेटा। नोट पॉइंट ये है कि यहाँ एक चार्ज हमें दिया गया है प्लस Q1, और यहाँ हमें एक चार्ज दिया गया है प्लस Q2, ठीक है? हमने दोनों चार्जेस को एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया है, एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। ये एक बॉडी है हमारे पास में, एक बॉडी ये है हमारे पास में। अब होगा क्या, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा एफ फोर्स के साथ, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा एफ फोर्स के साथ। इनके बीच की जो सेपरेशन हमें दे रखी है वो सेपरेशन है हमारे पास में आर या एल, स्ट्रिंग की लंबाई के बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर मुझे एक बात बताइएगा, अगर दोनों बॉडीज पर पॉजिटिव चार्ज है और जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो इनके बीच में ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रिपेल होने की वजह से ये जो स्ट्रिंग है बेटा ये टाइट हो जाएगी, टाइट स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी एकदम से। और जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होती है उसके अंदर आ जाती है एक टेंशन। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग के टाइट होने पर स्ट्रिंग के अंदर यानी रस्सी के अंदर एक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है, जिस फोर्स को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं, टेंशन फोर्स। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यानी इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया, तो जैसे ही रिपेल किया स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स काम करना स्टार्ट हो गया, उसे कहेंगे हम टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से दूर जाते हुए काम करता है, समझ आ रही बात? तो यहां से रस्सी में फोर्स काम कर रहा है, ये बेटा स्ट्रिंग है हमारे पास में, स्ट्रिंग, ठीक है? इसके अंदर काम करेगी टेंशन। अब मुझे एक बात बताइए, इस प्लस Q2 पर एक फोर्स काम कर रहा है इधर, इसकी वैल्यू है कैपिटल एफ, और इस प्लस Q2 पर एक फोर्स काम कर रहा है इधर, इसकी वैल्यू है टी, टेंशन। तो मुझे ये बताइए दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है? और ये जो बॉडी है ये आराम से रेस्ट में रखी है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो गया, या इधर आप ऐसे ही कह लो, इस बॉडी पर एक फोर्स तो काम कर रहा है इधर, ये कूलम्स लॉ वाला फोर्स है, और एक काम कर रही है टेंशन। तो हम ये कहेंगे फोर इक्विलिब्रियम के लिए जो फोर्स है हमारा वो टेंशन के इक्वल हो गया। फोर्स को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच का गैप है R2, और ये हमारा इक्वल है टेंशन के। तो बेटा कुछ सवाल आपके पास में ना ऐसे आएंगे जहां आप लोगों से टेंशन पूछी जाएगी, उस टेंशन को आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1/4πε0 Q1 × Q2 / R2 इज इक्वल टू टेंशन। ये हमारा टेंशन निकालने का तरीका है, उम्मीद है कि समझ आई होगी बात। जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा,
तो जब भी दो बॉडीज के बीच में रस्सी बंधी हो और उस रस्सी के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पूछी जाए, तभी हम इस तरीके से काम करेंगे, टेंशन को फोर्स के इक्वल रख देंगे। पहले प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश करना कि प्रॉब्लम में क्या गिवन दिया है, और अगर ऐसी स्थिति बन रही होगी तो ऐसे हम टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टेंशन निकालने का तरीका होगा बेटा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आई हो। तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे ही चलेगी, तो इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपरली अपनी क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी के अंदर नोट करते रहें और अपना होमवर्क हमारे पास में ना सेंड करते रहें। आप लोगों को अपना होमवर्क इस नंबर पर अपने नाम के साथ सेंड करना है बेटा, अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करना है आपको इस नंबर पर अपने नाम के साथ, ठीक है? और जिस बच्चे को कोई डिफिकल्टी आएगी वो सीधा कॉल करके अपनी डिफिकल्टी को मुझसे क्लियर करे। बाकी मैं भी आपके पास में कॉल करूंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट रहेगा तो उस समय आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, बाकी हम बात करेंगे बेटा कल की क्लास में और कुलम्स लॉ के क्वेश्चंस के साथ। यानी कल की क्लास, 2 दिन की क्लास अभी और लगेगी हमारी कुलम्स लॉ में, उसके बाद कुलम्स लॉ हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आई हो। चलिए।